हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम डेबिट कार्ड फॉर्म कैसे फिलिप किया जाता है और क्या है सही तरीका। आज की इस वीडियो में हम ए टू जेड जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पंजाब नेशनल बैंक से अपने ब्रांच से एटीएम फॉर्म को कुछ इस तरीके से ले लेना है और उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको किस तरीके से फिलअप करना है। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि किस तरीके से फिलअप करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिल जाता है बीओ यानी कि ब्रांच ऑफिस। तो दोस्तों, जहां पर भी आपका ब्रांच होगा उसका नाम आपको यहां पर लिख देना है। जैसा कि दोस्तों मेरे सिकरीगंज है ब्रांच, तो दोस्तों मैं यहां पर सिकरीगंज लिख दिया। देन उसके बाद दोस्तों आ जाता है डेट। तो दोस्तों, जिस दिन आप इस फॉर्म को जमा कर रहे हो बैंक में, उस डेट को आपको यहां पर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक फोटो लगा देना है। अगर दोस्तों आपका ज्वाइंट खाता है तो दोस्तों यहां पर एक अपना फोटो लगाना है। उसके बाद दोस्तों आप अपने यहां पर वाइफ का फोटो लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना एटीएम का प्रकार चुन लेना है कि किस प्रकार का आप एटीएम लेना चाहते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, 5-7 प्रकार का होता है, क्लासिक, प्लेटिनियम, मित्रा, किसान एटीएम, इस तरीके से कई प्रकार के होते हैं एटीएम। तो दोस्तों अगर आप क्लासिक यूज करना चाहते हैं, अधिकतर लोग क्लासिक ही यूज करते हैं, तो दोस्तों अगर आप क्लासिक करते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्लासिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों यहां पर आ जाता है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर। तो दोस्तों यहां पर आपको अपने नेम को कुछ इस तरीके से लिख देना है, कैपिटल लेटर में, इस तरीके से हो सके तो कैपिटल लेटर में इस तरीके से लिखें। उसके बाद दोस्तों यहां पर आ जाता है आपका सेकेंड नेम। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि नेम ऑफ सेकेंड अकाउंट होल्डर, यानी कि अगर ज्वाइंट खाता है आपका तो दोस्तों उनका भी नाम यहां पर आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आ जाता है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, फिर से आपको एक एक खाने में एक एक अंक इस तरीके से एक एक लेटर लिख देना है। तो अगर दोस्तों आपका डबल नेम है तो दोस्तों आपको यहां पर एक स्पेस दे देना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि विकास पाल मेरा नाम है, तो दोस्तों मैं पहले विकास इस तरीके से लिख लिया, उसके बाद दोस्तों यहां पर स्पेस दे दिया, उसके बाद पाल लिख दिया। तो दोस्तों आपको भी इसी तरीके से लिखना है। अगर आपका ज्वाइंट खाता है तो दोस्तों सेकेंड नेम आपको इस तरीके से यहां पर भी लिख देना है। जिनका भी आपका नाम होगा ज्वाइंट खाता में, उनको इस तरीके से आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, इतना आपको छोड़ देना है। और उसके बाद आ जाता है यहां पर टाइप ऑफ कार्ड। तो दोस्तों यहां पर अगर आप पर्सनलाइजेशन के लिए कर रहे हैं तो दोस्तों आपको इस तरीके से टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आ जाता है मोबाइल नंबर। तो दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर इस तरीके से डाल दीजिएगा और मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों ईमेल आईडी आ जाती है। तो दोस्तों अगर आप ईमेल आईडी देना चाहें तो दे सकते हैं यहां पर। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ अकाउंट, आपका अकाउंट किस प्रकार का है। तो दोस्तों अगर आपका अकाउंट सेविंग है तो दोस्तों यहां पर आपको इस तरीके से सेविंग लिख देना है। जिस भी प्रकार का होगा आप यहां पर उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपसे पूछ रहा है 16 डिजिट अकाउंट नंबर, यानी कि आपका अकाउंट नंबर जो भी होगा एक एक खाने में एक एक अंक इस तरीके से आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक सिग्नेचर कर देना है। जिस भी प्रकार से आप सिग्नेचर करते हो उसी तरीके से आपको यहां पर सिग्नेचर कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों आपका काम कंप्लीट, यानी कि आपका एटीएम फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज दोस्तों आपको पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड कोई अन्य प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।